वेलकम गाइस, हम आज से बूस्टर डोज शुरू करने जा रहे हैं। किसके लिए? RSM SSB टेक्नीशियन के और फॉरेस्टर और फॉरेस्ट गार्ड की जो वैकेंसी निकली हुई है उसके लिए। ठीक है, तो हम इसमें पढ़ेंगे राजस्थान GK यानी कि आर्ट एंड कल्चर, जो कि सिलेबस में इनके सिलेबस में दे रखा है। ठीक है, तो डेली के हम टॉप 25 क्वेश्चन करेंगे आर्ट एंड कल्चर के। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो बेस्ट प्लस को सब्सक्राइब करें, और अगर PDF आपको इसकी PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि मौर्य युगीन बौद्ध स्तूप के पुरावशेष कहाँ से मिले हैं राजस्थान के अंदर? तो वो मिले हैं बैराट से। ठीक है, तो बैराट कहाँ पर है? ये अलवर के अंदर है। ठीक है, जिसको पुराना नाम है विराट नगर। ठीक है, तो यह ध्यान रखेंगे। तो मौर्य युगीन बौद्ध स्तूप के पुरावशेष कहाँ मिले हैं? तो वो मिले हैं बैराट के अंदर। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार राजस्थान को भारत के किस श्रेणी के राज्य में रखा गया है? तो वो रखा गया है द्वितीय श्रेणी और भाग 2 के अंदर। ठीक है, कौन से श्रेणी के अंदर रखा गया है? तो दूसरी श्रेणी के भाग 2 के अंदर रखा गया है। भारतीय संविधान के अनुसार राजस्थान को भारत के किस श्रेणी के राज्य में रखा गया है? तो द्वितीय श्रेणी भाग 2 के अंदर। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि राज्य में राजनीतिक गतिविधियों के संचालन के लिए किस राज्य में 1934 में प्रजामंडल की स्थापना की गई थी? ठीक है, तो वो था जोधपुर। ठीक है, जो राजस्थान के उत्तर पश्चिम के अंदर स्थित है। ठीक है, जोधपुर। तो सबसे पहले 1934 में प्रजामंडल की स्थापना कहाँ की गई थी? वो की गई थी जोधपुर के अंदर। फिर नेक्स्ट है कि 8 सितंबर 1857 का नाम सुनते आपको 1857 की क्रांति याद आनी चाहिए। ठीक है, तो 8 सितंबर 1857 को किस स्थान पर ठाकुर कुशाल सिंह की सेना ने जोधपुर की राजकीय सेना को पराजित किया था? तो वो कहाँ पर किया था, किस स्थान पर किया था? तो वो था बिठोड़ा। इसको बिठोड़ा के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, जो कब हुआ था? 8 सितंबर 1857 को। ठीक है, जिसके अंदर ठाकुर कुशाल सिंह की सेना जीत जाती है। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। फिर नेक्स्ट है कि मेवाड़ के किस महाराणा ने अजमेर दरगाह के लिए चार गांव अनुदान में दिए थे? पहले क्या होता था कि किसी आज भी वही होता है कि किसी चीज़ को चलाने के लिए वित्त की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो अजमेर दरगाह को एक व्यवस्थापूर्ण ढंग से संचालित करने के लिए मेवाड़ के महाराणा ने कितने गांव? चार गांव अनुदान में दिए थे। वे महाराणा कौन थे? तो उन महाराणा का नाम था जगत सिंह दित्य। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे कि जगत सिंह दित्य ने ही अजमेर दरगाह के लिए चार गांव अनुदान में दिए थे। फिर नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा युग्म गलत है? ठीक है, जैसा कि ये गलत, यहाँ पे गलत आता है कई बार नहीं है आता है, कई बार असत्य आता है। ठीक है, तो उसको आप ऐसे सर्किल कर लीजिएगा ताकि आपको माइंड में रहे कि आपको आंसर गलत का देना है या सही का देना है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ब्रिज महोत्सव धौलपुर। ठीक है, जो कि गलत है। और सही कौन कौन सा है फिर? मारवाड़ उत्सव कहाँ होता है? तो वो जोधपुर में होता है। ऊंट महोत्सव कहाँ होता है? वो बीकानेर में होता है। हाथी महोत्सव कहाँ होता है? जयपुर में आमेर के अंदर होता है। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। फिर नेक्स्ट है कि राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत श्रावणी तीज से होती है। ठीक है, तो अंत किससे होता है? कौन से त्योहार से अंत होता है? क्योंकि शुरुआत तो श्रावणी तीज से होता है, तो अंत कौन से त्योहार से होता है? तो वो है हरियाली तीज। ठीक है, तो सॉरी हरियाली तीज नहीं है इसके अंदर गणगौर। ठीक है, तो गणगौर से अंत होता है ना कि हरियाली तीज से। तो गणगौर के साथ अंत होता है जबकि शुरुआत श्रावणी तीज से होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि बम रसिया कौन से क्षेत्र का लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो बम रसिया, इसमें पूछा गया है कि बम रसिया जो लोक नृत्य है वो कौन से क्षेत्र के अंदर लोकप्रिय है? तो वो है अलवर और भरतपुर के अंदर। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे कि अलवर और भरतपुर के अंदर बम रसिया जो कि लोक नृत्य है वो लोकप्रिय है। नेक्स्ट है कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा में बोली जाने वाली भाषा क्या कहलाती है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर बोली जाने वाली भाषा क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है वागड़ी। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे कि ये भाषा वागड़ी कहलाती है। नेक्स्ट है
निम्न में से कौन सा युग्म गलत है। देखो फिर से आ गया, तो गलत के ऊपर सर्किल कर लिया, ठीक है। अब आपको बताना है कि कौन सा युग्म निम्न में से गलत है। सज्जनगढ़ उदयपुर, रणथंभौर सवाईमाधोपुर, सरिस्का अलवर, रामसागर कोटा, ठीक है। तो ये रामसागर कोटा ये गलत है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, ये तो आपको सबको पता होगा कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो वो मनाया जाता है 5 जून को, ठीक है। 5 जून को मनाया जाता है ये, और ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है। फिर नेक्स्ट है कि सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम, सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम कब से शुरू हुआ था। तो ये कब से शुरू हुआ था, तो ये शुरू हुआ था, आप कमेंट बताइए कब से शुरू हुआ था। तो ये शुरू होता है 1974-75 के अंदर, ठीक है। और ये राजस्थान के अंदर शुरू होता है, क्योंकि अपन राजस्थान की जीके पढ़ रहे हैं, तो ये अंडरस्टूड होना चाहिए कि ये राजस्थान के अंदर शुरू कब हुआ था। 1974-75 के अंदर ये सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम शुरू किया गया था, क्योंकि आपको पता है कि उत्तर पश्चिम के अंदर बारिश कम होने से वहाँ पे अक्सर सूखा पड़ जाता है, तो ये उसी से संबंधित कार्यक्रम है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। और लाइक कीजिए इसको और सब्सक्राइब कीजिए और आगे देखते रहिए। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में आदिवासियों द्वारा की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं। जैसे जैसे भारत के पश्चिमी पूर्वी क्षेत्र के अंदर झूम कृषि होती है, झूम खेती होती है, ठीक है। उसी प्रकार अलग अलग जगह पर अलग अलग स्थानांतरित कृषि को अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसी तरह राजस्थान के अंदर जो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है वहाँ पर आदिवासियों द्वारा जो कृषि की जाती है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो उसको जाना जाता है बालरा के नाम से, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे कि उसको बालरा के नाम से जाना जाता है। यह एक तरह की स्थानांतरित कृषि होती है, जिसके अंदर क्या करते हैं कि जंगलों को वहाँ पर काट देते हैं या जला देते हैं, और फिर उस जगह को साफ करके वहाँ पर कृषि की जाती है, ठीक है, जब तक वो भूमि उपजाऊ रहती है। और फिर वो अनुपजाऊ हो जाती है तो फिर उसको छोड़कर किसी अन्य स्थान पर जाकर सेम प्रोसेस अप्लाई किया जाता है, वहाँ के पेड़ों और जंगलों को काट दिया जाता है और फिर वहाँ पर कृषि किया जाता है। नेक्स्ट है, हसीश ठिठोली बरा वैवाहिक गीत कौन सा है, ठीक है। तो कौन सा है, घुघरी है, सीटने है, घोड़ी है या चिरमी है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा सीटने। तो सीटने वैवाहिक गीत होता है जिसके अंदर हंसी ठिठोली की जाती है, किसके द्वारा, वधु पक्ष के द्वारा, ठीक है। तो यह आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है कि गंग नहर का निर्माण महाराजा गंगा सिंह द्वारा किस वर्ष करवाया गया था, ठीक है। तो गंग नहर जो कि राजस्थान के अंदर है का निर्माण महाराजा गंगा सिंह द्वारा किस वर्ष करवाया गया था, तो वो था 1927 के अंदर करवाया गया था इसका, राजस्थान का, राजस्थान में गंगा नहर का, ठीक है। और महाराजा गंगा सिंह इन्होंने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि चांद बावड़ी किस जिले में है, ठीक है। तो चांद बावड़ी किस जिले में है, दौसा में है, भरतपुर में है, जोधपुर में है, उदयपुर में है। तो चांद बावड़ी का संबंध दौसा से है, ठीक है। तो ये दौसा जिले के अंदर है, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे। निम्न में से राजस्थान के किस जिले में रेलवे सर्विस नहीं है, ठीक है। जैसे नहीं आ गया फिर से आप सर्किल कर दो इसको, क्योंकि आपको नहीं है का आंसर देना है, ठीक है। क्योंकि जयपुर में भी है रेलवे, ठीक है, सिरोही में भी है, जैसलमेर में भी है, बांसवाड़ा में नहीं है, तो ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि राजस्थान के अंदर रेलवे सर्विस बांसवाड़ा के अंदर नहीं है। नेक्स्ट है, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप सभी लोग बता दोगे कि राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, तो वो है 826 किलोमीटर, ठीक है। तो आप मुझे बताओगे कमेंट में कि राजस्थान की पश्चिम से पूर्व की ओर लंबाई कितने किलोमीटर है, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट में बताओगे। नेक्स्ट है, निम्न से कौन सा युग्म गलत है, ठीक है। तो कौन सा युग्म गलत है, पहला है, दूसरा है, तीसरा है या चौथा है, ठीक है। तो कौन सा युग्म गलत है बताइए। तो इसके अंदर चौथा युग्म गलत है, क्योंकि भोराट का क्षेत्र कोटा में नहीं होकर यह है अलवर के अंदर, ठीक है, सॉरी उदयपुर के अंदर है। किसके अंदर है, उदयपुर के अंदर है। भोराट का क्षेत्र कहां पर है, उदयपुर के अंदर, क्योंकि कोटा में नहीं है, ठीक है। तो यह युग्म गलत है। छप्पन का मैदान, छप्पन के मैदान का संबंध किस नदी से है,
ठीक है। तो इसका आंसर आप बताओगे कौन सी नदी से, पार्वती से है, माही से है, कोठारी से है या खारी से है, ठीक है। तो इसका संबंध माही नदी से है, छप्पन के मैदान का संबंध माही नदी से है, ठीक है। तो आप मुझे बताओगे कि माही नदी कौन सी रेखा को दो बार काटती है, दो बार काटती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि राजस्थान में कोपेनहेगन के वर्गीकृत क्षेत्र में AW क्षेत्रों में कौन सा है, ठीक है। जो कोपेनहेगन है उसने वनस्पति के आधार पर राजस्थान को चार भागों में डिवाइड किया है, कितने भागों में, चार भागों में, ठीक है। जिसके अंदर पहला भाग है BSHW, फिर क्या है BWHW, ठीक है, फिर है CWG और फिर है AW, ठीक है। तो जो AW है वो कौन सा, AW के अंदर कौन सा क्षेत्र आता है इन चारों में से, तो वो आता है, कौन सा आता है, डूंगरपुर आता है, ठीक है। तो डूंगरपुर क्षेत्र AW क्षेत्र के अंदर आता है, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। फिर है नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा खनिज मिट्टी को उर्वरक बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या मिट्टी को उर्वरक बनाने के स्थान पर यहाँ पर आप कर सकते हैं कि क्षारीयता और अम्लीयता को समाप्त करने के लिए कौन से खनिज को प्रयोग में लिया जाता है। मिट्टी के अंदर अगर ये क्षारीयता है या अम्लीयता है तो उसको समाप्त करने के लिए कौन से खनिज का उपयोग किया जाता है, तो वो है जिप्सम, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे यह है जिप्सम है। नेक्स्ट है कि अली बख्शी ख्याल किस जिले में सर्वाधिक लोकप्रिय है। तो जो अली बख्शी ख्याल है वो सर्वाधिक अलवर जिले के अंदर लोकप्रिय है, किस जिले के अंदर, तो वो है अलवर जिले के अंदर फेमस है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, जो अली बख्शी ख्याल है ये एक गायन शैली है, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे। फिर नेक्स्ट है, निम्न से कौन सा निम्न में से कौन सा युग गलत है, ठीक है। गलत आते आप सर्किल करना है, ठीक है। फिर कौन सा है, पहला है, दूसरा है, तीसरा है या चौथा है, तो इसके अंदर चौथा है वो गलत है, ठीक है। क्योंकि गैदर नृत्य सिकावटी क्षेत्र का है, ढोल नृत्य जालौर का है, डांडिया मारवाड़ का है, लेकिन नगाड़ा नृत्य मेवाड़ का नहीं है, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट में बताओगे कि नगाड़ा नृत्य कहाँ का है, ठीक है। नेक्स्ट है और अंतिम है, बूंदी के तारागढ़ दुर्ग का निर्माण कराने वाला शासक कौन था। तो बूंदी के अंदर जो तारागढ़ दुर्ग है, ठीक है, इसका अन्य नाम क्या है, तो आप मुझे कमेंट बताओगे कि तारागढ़ दुर्ग का अन्य नाम क्या है, ठीक है। तो जो तारागढ़ दुर्ग है बूंदी के अंदर उसका निर्माण किसने करवाया था, तो उसका निर्माण करवाया था वर सिंह ने, महाराजा वर सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। तो ये थे 25 क्वेश्चन, ठीक है। आप एक से दो बार वीडियो इसको जरूर देखिएगा, ठीक है, तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, ठीक है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसकी PDF लेने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है PDF का, तो वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, ठीक है।